everybody, welcome back to my channel. So, आज मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट है, तो ये जो व्लॉग है ये पूरा उसी की इंगेजमेंट से रिलेटेड होएगा. और अभी हम तैयार होएंगे, मैं अभी खुद रेडी होंगी, फिर जो मेरी फ्रेंड है उसकी सिस्टर भी आएगी रेडी होने, फिर हम सब रेडी होके निकलेंगे. तो गाइस, मैंने बताया था ना कि दीपांशी की बहन आएगी, वो आ गई है. शिरो पीरो. अब मैं पहले इसको रेडी करूंगी, फिर मैं इधर एक को रेडी करूंगी जो पड़ी हुई है, उसके बाद खुद रेडी होंगी. और हम पे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मैक्स है, उस साधन ये 3 घंटे में 3 लोग रेडी होंगे. मस्ती भी करनी है. और क्या, चलो रेडी होके मिलते हैं. मैं रेडी होते हुए ब्लॉग करना भूल गई थी, तो ये एक मेरी क्लिप है रेडी होते हुए की. आप रेडी होके निकल गए. फोन मिल गया, लग रहा है मारते पहले गौरव भैया ही पहुंचेंगे. हम रेडी होके निकल गए हैं और हम वेट कर रहे हैं कोई आ जाए जल्दी से, बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है. तो और माई के भूमर और ये था वेन्यू जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहा था. और ये मेरी बहन है और ये है पलक जो कि मेरी फ्रेंड है और दीपांशी की भी फ्रेंड है. और ये दीपांशी की बेस्ट फ्रेंड अनुष्का जो कि मेरी भी फ्रेंड है. और ये हमारी जीजू की एंट्री हो रही है, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं काफ़ी आगे जा चुकी थी. और ये मैं अपने आप को निहारते हुए क्योंकि मैं काफ़ी प्रिटी लग रही थी. और ये पलक जो कि रिकॉर्डिंग देखते ही हंसने लगी. और ये हम दीपांशी से मिलने गए थे ब्राइडल रूम में. आज आपकी एंगेजमेंट आपको कैसा लग रहा है? मैं एक्साइटेड हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ. और ये हम दीपांशी की एंट्री कराते हुए जो कि थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो गई थी बिकॉज हम सब कंफ्यूज हो गए थे, बट दीपांशी बहुत प्रिटी लग रही थी और उसने डांस भी बहुत अच्छा करा था. और ये है मेरी सबसे फेवरेट क्लिप जब जीजू जी ने दीपांशी के लिए डांस करा था. अलग हो रहा था जो कि रिंग सेरेमनी से पहले किया जाता है. और फाइनली इतनी देर वेट करने के बाद रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीपांशी एंड पारस. और इस टाइम तक मैं खड़े खड़े बहुत थक चुकी थी. उसके बाद अब अनुष्का का जाने का टाइम हो चुका था. चलो, नाइस मीटिंग यू.
यहाँ पे लड़ाई हो तो है क्योंकि टापुर के साथ अनुष्का ने फोटो नहीं क्लिक कराई थी। और यहाँ हम खाना खा रहे थे जिससे मैं भी शूट कर रही थी और सामने से एक कैमरामैन भी शूट कर रहा था खाना खाते हुए। तो अब हमारा जाने का टाइम हो चुका था, तो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।